भाई जबरदस्त सा सनराइज हो रहा है। 12 लाइट माशाल्लाह। समंदर में आ गए, थोड़े से जो है ना वेव्स है अभी तक तो, लेकिन अभी और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। भाई अभी जो है ना वो मैया लेने के लिए जो है ना वो रुके। आज आपका कैप्टन जो है ना पानी में नहीं बोट चलाना चाह रहा, नहीं हवा में चलाना चाह रहा, हवा में चलाएगा। देखो यार, ये देखो ये आज आपके मावे काम नहीं आ रहे। हाँ सुभान भाई के मावे बिल्कुल काम नहीं आ रहे। लाए भी थैली भर के आज। 3 मैया तो डोर के लिए मेरा थोड़ा सेक पैसे ले ले यार, मावा ले ले मावा। और भाई कटप्पा बोलो ना अपनी जबान में। अच्छा मैया तो डोर के लिए मेरा थोड़ा सेक पैसे ले ले यार, मावा ले ले मावा। और भाई कटप्पा बोलो ना अपनी जबान में। अपनी जबान अपनी जबान। ये पठान नजर आ रहा है, पठान पठान नहीं है, दे रहा है दे रहा है। यार वैसे हम जो है ना एक व्लॉग करेंगे अपना लकड़ी की बोट पे इंशाल्लाह। मुबारक वले से जाएंगे या मंजार से जाएंगे, सुनहरी से, कहीं से भी। तो फिर वो हयात वाली जो है ना जो पट्टी है ना वहाँ पे चक्कर लगाने की इंशाल्लाह। बड़ा दिल हो रहा है लकड़ी की बोट देख के जो है ना इस पे जाने का। भाई लकड़ी की बोट पे कॉकरोच होता है, कॉकरोच होता है। अरे हाँ यार ये बात तो सही है, कॉकरोच से नहीं डरेंगे यार, करेंगे कुछ ना कुछ, लगाएंगे अपने बॉडी के ऊपर। जिस तरह मॉस्पेल लगाते हैं, कुछ गलत लगा लिया तो सारे के सारे हम पे ही आ जाएंगे। अबे साले चल गई, भरा हुआ नीचे, फुल है। ये लोग जो है ना ये सारा यहाँ पे जो मच्छी की भीड़ है ना ये लोग खराब करते हैं। ये पूरा नीचे से वायर के थ्रू सारा लेके जा रहे हैं। हाँ। इसमें छोटी बड़ी मछली सब लेके जा रहे हैं। ये जुल्म है यार, ये जुल्म है। जैसे आप किसी भी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे कैच एंड रिलीज वाला होता है ना, कि आपने 2-3 किलो से नीचे मछली नहीं पकड़नी आपने। यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ये देखना पूरा इन्होंने खराब कर दिया। और कोई इन लोगों कोई भी रोकने वाला नहीं है इन लोगों को। ये जमीन से उठा रहे हैं, इसमें छोटी बड़ी मछली सब इसमें जा रहा है जी। अब छोटी मछली जाएगी वो बड़ी नहीं होगी, खत्म। कैसे बड़ी होगी? वजह यही है जो हमें इतना दूर जाना पड़ता है फिशिंग करने के लिए। ये करीब जो है ना ये पूरा सफाया कर देता है। तो फिलहाल तो हमारी मदद कर रहे हैं भैया, दे रहे। इसका ये फायदा है कि ये फ्रेश मैया होता है, स्क्विड्स होते हैं फ्रेश, इससे फिशिंग अच्छी होती है। इससे अभी आपको दिखाते हैं आपको। चलो भाई मैया मिशन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। टेक 3 के अंदर ये मैया देखो, ये आई है मैया, ये है स्क्विड्स होते हैं, आपको दिखाते हैं। ये फ्रेश स्क्विड्स, फ्रेश स्क्विड्स। चले भाई बस आदिम, ये ऐसा ठंडा हो जाएगा। कौन चला रहा है बोट? हाँ पीछे तो कोई भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं है, सारे के सारे आगे आ गए भाई। अजय देवगन होगा पीछे। हाँ टार्जन वाला। आगे बैठने यार, नहीं हम तो बहुत कहते थे आगे, बड़ा मजा आता है। 2000 तक सही है। लाइफ जैकेट रखी थी, बिल्स पंप सही चल रहा है। मेरे घर वालों ने ये वीडियो देखनी थी, वो बोल रहे थे बिल्स पंप सही चलता नहीं है, तुम लोगों की बोट में पानी भर रहा था, दोबारा नहीं जाना। नहीं भाई सही करा दिया है, हो गया। बल्कि मैं दिखाता भी हूँ अभी पीछे खोल के ढक्कन देख भी रहे हम के पानी वानी आ तो नहीं रहा है। वैसे नहीं आ रहा, आज सुबह को हम पूरा चेक करके निकले, फिर भी अल्लाह मालिक है यार, कुछ ना कुछ होगा तो लाइफ जैकेट पहन के उतर जाएंगे पानी में। नहीं वो बाल्टी है ना छोटी वाली, पानी निकालना शुरू करेंगे जब तक ये जान। Meanwhile भाई पिछली बार जो वेदर था ना वो बहुत ज्यादा खराब था, इस बार काफी बेहतर है। मतलब अभी सुकून है, वैसे वेव्स वगैरह है लेकिन पिछली बार जितनी नहीं है। अच्छा सर ऑन अ सीरियस नोट, अगर इस तरह का होके कोई मसला हो जाए हमारी बोट में, जैसे पिछली बार हुआ था, पानी आ रहा था, बिल्स पंप का इशू हो गया था, तो एक छोटा सा इशू तो रिजॉल्व हो गया था, बट खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मसला हो जाए तो हम सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं? भाई सेफ्टी के लिए जो है ना देखिए, हमारे पास जैसे बिल्स पंप, हमारे पास 5 बिल्स पंप है, 2 आगे है 3 पीछे है, तो हम उनको स्विच कर सकते हैं नॉर्मल पानी अगर आ रहा है तो। और इससे आगे भी अगर कोई हमारे साथ अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास VHF लगा हुआ है और VHF के चैनल्स होते हैं यहाँ पे। जो बोट जो होने वाले हैं वो 10 नंबर चैनल्स पे होते हैं, कुछ 16 पे होते हैं। तो कोई भी नियरेस्ट हेल्प जो है ना वो समंदर में करता है, अगर हमें भी कोई करता है अप्रोच कॉल करता है तो हम उसके पास जाएंगे जरूर। ये समंदर का बेसिकली रूल है, ठीक है। तो VHF हमारे पास है, एक्टिव है, VHF खराब हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर दूसरी चीजें खराब हो रही है VHF एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो सब चीजों से डिस्कनेक्टेड है। और बाकी इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सैटेलाइट फोन है जी, सैटेलाइट फोन है, वो हमारे पास होता है, हर वक्त एक्टिव रहता है, एक नहीं दो होते हैं। आज इमरान भाई भी लाए, मेरे पास भी है। तो थोराया से हम घर से भी कनेक्टेड रहते हैं और थोराया से हम किसी को भी जो है ना वो कॉल करके बता सकते हैं कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इस तरह की सिचुएशन हमारे पास हो गई है। तो 2-3 घंटे जो है ना वो 2-3 घंटे या 4-5 घंटे जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। हमारी बोट में अगर पानी भी आ रहा है बहुत स्पीड से तो वो इतने को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रेस्क्यू आई जाएगी कोई ना कोई इंशाल्लाह। और बाकी फायर के लिए भी है हमारे पास यार, बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर तो हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये वो वाला सीन होता है जैसे हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, पंचर हो गई, कोई ना कोई पीछे से आगे टो करता है। हाँ। तो ये वो वाला सीन है कि अगर आप मतलब किसी मुसीबत में फंस गए और आपने VHF कर दिया, आपने मतलब एक इमरजेंसी के लिए कर दिया, इमरजेंसी SOS दे दिया, तो लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा ही है। और अगर कोई और करेगा तो हमें भी जाना पड़ेगा। हमें सारी फिशिंग विशिंग छोड़ के उसके बाद अल्लाह ना करे कोई किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन हमें भी जाना पड़ेगा और ये जाना चाहिए भी। ये वैसे ये समंदर का बेसिकली रूल है। हमसे भी बातें करो यार, अगर आपको हम यहाँ पर उतार दे मोगी टोकी देंगे तो ट्राई करेंगे, एक दफा ट्राई करके देखते हैं। अगर किसी ने नहीं उठाया तो हम वापसी तो आ ही जाएंगे। चलो देखते हैं यार, जा पूछ क्या सही है। देखिए आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे जी यहाँ पे जो है ना हमने बर्ड्स को स्पॉट किया है और ये देखे छलांगे लगा रही है यार मछलियाँ। लेकिन हमने क्या किया है, तफरिया कर रहे थे आज और हमने रोडे तैयार नहीं किए, अब रोडे तैयार करने के लिए जा रहे हैं। बस एक बंदा पिन पे नजर रखे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पिन पे नजर रखेंगे और रोडे तैयार करेंगे, क्योंकि आपकी नजर इधर उधर हुई है गायब हो जाती है। हाँ। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये सीन है, नहीं हटी दुर्घटना घटी। हाँ भाई साजिद भाई क्या रेडी कर रहे हो? भाई कास्टिंग की रॉड है। तो देखते ही पूरा पिन चला गया यार। भाई ये जो है ना हमारे नए इक्विपमेंट्स के अंदर से जो है ना ये है, हमने लिया था अब्दुल कादर भाई से। ये हमारा है शायद, नहीं ये हमने ये मैं दुबई से लाया हूँ। ये वो वाला जो है ना वो पॉपर है। अब जो एक्टिविटी नजर आई है ना वो पॉपिंग की है, तो पॉपिंग करेंगे ना थोड़ी सी। कहाँ गया वो, गायब हो गया पिन, तो इस तरफ गया। और ये नई वाली रोड पे चलाएंगे, नई वाली रोड लाल परी हमारी। ये छोटी वाली लाल परी, बड़ी लाल परी है, बड़ी है। साजिद पकड़ ले यार, टूना फ्राई खिलाऊंगा तुझे, सालन भी खिलाऊंगा। भाई जो है ना दयान की वालदा टूना का सालन बनाने में एक्सपर्ट है यार। हमने खाया था लास्ट टाइम टूना का सालन, जबरदस्त बनाया था। पिन गायब हो गया है। बहुत यार अच्छी एक्टिव वो था इसमें, यहाँ पे हलचल बहुत ज्यादा थी, वो चली गई। वन में आपने चश्मा नहीं पहना हुआ, नजर नहीं है। अभी दोबारा पिन ढूंढ रहे हैं, वो वाली एक्टिविटी तो चली गई। बड़ा जबरदस्त जो है ना वो बर्ड्स जो है ना वो छलांगे लगा रहे थे। मिल जाएगा अभी, दोबारा मिल जाएगा। धूप आ गई अच्छी खासी, मजेदार। सन ब्लॉक लगा लूं वरना मेरे घर वाले पहचानते नहीं है फिर। हाँ लगा लो भाई, सन ब्लॉक जरूरी है। 5 मिनट लेटर ट्राई। और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी में करंट बहुत ज्यादा है भाई, जैसे ही जिग डाला है जिग जो है ना वो उधर उस तरफ जा रहा है। डब्ल्यू जा रहा, ये साजिद ने बड़ी चमक पट्टियां वगैरह लगा के VIP करके चमका है। मछली देखते ही फिदा हो जाएगी, मछली बोलेगी मैं तो यही खा रहा है। ये वाली W11 वाली, मैं तो सहन थी मछली नहीं मुंह पाना है। भाई ये जिग जो है ना हल्का है, हमें इसमें भारी जिग लगाना पड़ेगा। 250 वाला है कोई? थक जाएंगे, 250 वाला चलाएंगे। मैं एक ट्राई और कर लेता हूँ भाई, एक ये 200 है। 200 है, चलो शायद 20 ग्राम में फर्क पड़ेगा कुछ। इसमें कांटे नहीं लगे हुए ना, आप जिग करें जब तक। हाँ लगे वो सलमान भाई, पहले W11 को अच्छे से लगा लूं। हाँ लेकिन बता रहा हूँ ये पहली मछली ऐसी को लगेगी फिट होगी वाकई में। मुझे मेरी W11 कोई ना कोई चक्कर ले आसमान वाली, कुछ तो कर रहा हूँ। बिल्कुल भी एक्शन नहीं है यार, इधर बिल्कुल एक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी ट्राई करते हैं। शायद अभी वो उस पर देखना पड़ेगा नेविगेटर में। सलमान भाई यार ये शूज़ कहाँ से मंगवाया आपने? कुछ अलग लग रहे हैं शूज़। यार ये है ना, मैंने मंगवाया है पता है कहाँ से, ये एक आइलैंड है, मलेशिया का एक आइलैंड है, वहाँ से मंगवाया। आइलैंड का नाम क्या है? मलेशिया। ये नहीं पूछ यार, टेमारी। लंडे गए शूज बोलो इमरान भाई, लंडा बोलो ना यार, सीधा सीधा यार, आप भी यार। भाई हम अपनी किट में आ गए मछली की, वहाँ पे जो पहली ट्राई की उसमें कुछ भी नहीं आया। फिर हमने जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता है क्यों नहीं आया? क्यों? उन्हें W11 का नीचे दिख गया था ना, मछली देख कर उसको भाग गए। ऐसा ही हुआ ना, W11 वाला दिख नेविगेटर में बता रहा था फिश फाइंडर में कि मछली है। फिर जैसे इसने जिग डाला ना, वहाँ से मछली गायब, नेविगेटर खाली हो गया, बिल्कुल खाली, सन्नाटा पड़ गया। तो W11 का देख के डर गए। हाँ, फिर तो W11 के जिग्स का जो मशवरा है ना, वो भी सेम लेजेंड का ही है। अब देखते हैं ना, मैं पहले से बता रहा हूँ, अब अगर आ गई मछली तो ये कामयाब है, वरना ये सुनता रहेगा मेरी बातें। इसके चिमनी चोरों वाले काम इसके है। अपन एक रोड के ऊपर ना मावे का पैकेट लगा के डालते हैं। भाई नया स्पॉट मिल गया भाई, पॉपिंग के लिए। हम अपने पॉइंट पे आ गए, जो आज का हमारा पॉइंट था उस पे आ गए। अब यहाँ पे करते हैं फर्स्ट ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटे गैप निकालो, बड़ा वाला निकालना गैप। साजिद तू भी गैप लेके खड़ा हो जाए, एक से नहीं उठेगी।